विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर और ननखड़ी खंड के पंचायत राज से जुड़े प्रतिनिधियों को सम्मानित किया है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को क्षेत्र विकास और कल्याण के प्रति सजग से आगे बढ़ने की अपील भी की है। इस दौरान उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को भारी मतों से बढ़त दिलवाने के कार्य का भी आह्वान किया। इस मौके पर वे प्रदेश सरकार पर भी खूब बरसे। रामपुर और ननखड़ी की पंचायती राज संस्थाओं के जीते हुए प्रतिनिधियों को सम्मानित करने पहुंचे शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जनप्रतिनिधियों को कहा कि गांव का विकास पंचायत प्रतिनिधियों के सोच और दूर दृष्टि पर ही निर्भर करता है, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वे अपने क्षेत्र में विकास और कल्याण के प्रति हमेशा तत्पर रहें। उन्होंने इस दौरान उन महिला पंचायत प्रधानों के परिवारों और पतियों को भी सचेत किया जो पंचायत के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने हिमाचल के ऊपरी हिस्से में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि अब संतुलित विकास की जरूरत है। हमें अब वर्षों पुरानी तकनीकों से सुरंग की खुदाई व अन्य कार्यों को विराम देना चाहिए। उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नाटी किंग के नाम से उन्हें पुकारा जाता है और कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री दावा तो करते हैं कि पहाड़ी होने का, लेकिन सेब बागवानों की समस्याओं पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेब किसानों की वर्तमान में मंडी की क्या हालत है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बागवानी उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कोई कदम उठा नहीं रही है। उन्होंने बागवानी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी नारद मुनि का रोल अदा करने वाला कहा। इस दौरान उन्होंने मंडी पार्लियामेंट्री के उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलवाने की अपील भी की। इससे पूर्व विक्रमादित्य सिंह ने जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत प्रधानों और वार्ड सदस्यों को भी सम्मानित किया कि जो इस इलाके के चुने हुए लोग हैं उनका हम मान सम्मान करें और साथ ही साथ उन्हें प्रेरित करें कि वो अपने अपनी पंचायतों में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने वार्ड में जहाँ से वो चुने गए हैं वहाँ पे विकास के कार्य को बढ़ोतरी दें, विकास के कार्यों को मजबूती प्रदान करें और साथ ही उन्हें ये भी विश्वास दिलाया कि हमारे ओर से जो भी सहयोग वहाँ के विकास के लिए, उनके स्थानीय पंचायतों के विकास के लिए हो सकता है उसमें हम पूर्ण सहयोग देने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार द्वारा खास रूप से कांग्रेस शासित विधानसभा इलाकों में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उन इलाकों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। उन इलाके के साथ जो कार्य पूर्व सरकार द्वारा करवाए गए थे, चाहे वो स्कूल के, अस्पतालों के, सड़क निर्माण के, सिंचाई योजनाओं के और रिक्त पद जो अलग अलग अस्पतालों में, स्कूलों में पड़े हुए हैं उनको ये सरकार पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर रही है और राजनीतिक दृष्टिकोण से काम कर रही है। तो हमने सभी पंचायती राज से जो चुने हुए लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं उनको विश्वास दिलाया है कि आप अपने काम को पूरे मजबूती के साथ निरंतर करते रहिए। जो भी हमसे सहयोग होगा, आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाने का कार्य, प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने का कार्य, और अगर पूरी तरीके से सरकार नज़रअंदाज करेगी इस इलाके को तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो